फवाद चौधरी, जहां जहां इमरान वहां वहां फवाद। पूर्व पीएम का दायां हाथ रहे फवाद चौधरी अब उनके साथ नहीं हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान पर जब भी आफत आई, फवाद चौधरी उनके समर्थन में सबसे पहले सामने आते, लेकिन अब उनके रास्ते इमरान खान से जुदा हो चले हैं। इसके पीछे वजह बताई गई है 9 मई को पाकिस्तान की फौज पर हुआ हमला। फवाद चौधरी ने पहले ही कहा था कि कौन क्या कहता है इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। ध्यान रखिए, अगर हमारी फौज है तो पाकिस्तान है। अगर हम फौज पर ही घर में हमले करेंगे तो क्या होगा। इसके बाद माना जा रहा था कि फवाद बहुत ज्यादा समय तक इमरान के साथ नहीं रहेंगे। फवाद के पहले 16 बड़े नेता इमरान की पार्टी छोड़ चुके हैं। इनमें शिरीन मजारी, आमिन महमूद कियानी, मलिक अमीन असलम, महमूद मौलवी, आफताब सिद्दीकी और फयाज उल हसन चौहान, आमिर मीर भी शामिल हैं। फवाद पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन थे, यानी मुख्य प्रवक्ता। उनका इमरान का साथ छोड़ना पूर्व पीएम को सियासी लहजे से ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पर भी भारी पड़ सकता है। वो इमरान खान के सबसे बड़े राजदार माने जाते हैं। माना जा रहा है कि वो नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि पार्टी छोड़ते वक्त फवाद ने कहा था कि कुछ वक्त मैं पॉलिटिक्स से दूर रहूंगा। 9 मई के बाद सियासी हलकों में यह आशंका भी तेजी से जताई जा रही है कि इमरान खान और पीटीआई वर्कर्स का जो रवैया है उसे देखते हुए इस पार्टी को भी बैन किया जा सकता है। सरकार की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ सामने आए, कहा हम पीटीआई को बतौर पॉलिटिकल पार्टी बैन करने पर विचार कर रहे हैं। पीटीआई वर्कर्स और इमरान ने जो किया है वो पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। कुल मिलाकर इमरान के अपने उनसे छूटते जा रहे हैं, लेकिन अब पार्टी भी खत्म होती दिख रही है।